ब्रेकिंग न्यूज, आज गोवर्धन में गुरुवार की पशु पैठ लगाती है, उसी में ले जा रही गायों को बालक दास बाबा, जिला अध्यक्ष शंखुरा, मंडल अध्यक्ष आगरा, शैलेंद्र पहलवान संस्थापक अध्यक्ष, कन्हैया पहलवान राष्ट्रीय संरक्षक, सत्येंद्र चौधरी, वीरेश पहलवान, राघवेंद्र पहलवान, अनुज चौधरी ने गायों ले जा रहे कट्टी के लिए इन्होंने गाड़ी पकड़ ली, तत्काल गौशाला गोवर्धन में भिजवा दी गई है। राष्ट्रीय गौरक्षक सेना के पदाधिकारियों ने योगी जी से सीधी बात की, उन्होंने इस बात को कहा कि जल्दी से तस्करी को सभी प्रदेशों से मुक्त करा दूंगा। राष्ट्रीय गौरक्षक सेना के प्रेरणा स्रोत भी हैं। एक बछिया को कसाईयों से मुक्त कराकर श्री कृष्ण बलराम गौशाला पारासोली महमदपुर में राधे जी जो गाय पकड़ी है ये उसकी पकड़ी है और कहाँ के लिए जा रही थी जी? भैया जी, मैं जो है सवेरे पेट में मेरे को संतान लगने पर महमदपुर से चला था, तो इनको मंडी के सामने गांठोली रोड पेंट से मैंने जो है जाते हुए देखा, तो मैंने इस गाड़ी को हाथ दिया, तो इस गाड़ी पर एक मेब जिस रहने वाला वो जो खोखा बता रहा था, जिसको गाड़ी को मैंने लगवाने पर वो गाड़ी से गायब हो गया। एक आदमी उनका जो है इस समय जो अपने को हिंदू बता रहा है, ये भी उस गाड़ी में था जो जिसकी जांच चल रही है, जिसमें एक लीटर दूध की गाय है, अन्यथा कोई गाय दूध नहीं काटने दे रही है। जो लोग ऐसे आते हैं 500-500 रुपये में दलाली करने के लिए। आपको कंफर्म है ये कट्टी के लिए जा जी रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल 100% कट्टी के लिए जी कट्टी के लिए जा रहे हैं। ये लोग तस्करी करा रहे हैं अपने हिंदू भाई। अब आपने जो पकड़ी है अब कहाँ जाएंगी ये गाय जी? अब हमारी राधा कृष्ण गौशाला महमदपुर जाएंगे जी। महाराज आप कौन सी टीम से? मैं राष्ट्रीय गौ सेना से जिला अध्यक्ष मथुरा बाबा बालक दास।